जैसा कि अपना चल रहा था इलिप्स में, तो इलिप्स में मैंने कहां तक बताया था, कृपया कर याद दिला दें, और आप हमारी बात सही तरीके से सुन पा रहे हैं, तो कृपया कर मुझे मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं कि हाँ सर आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है। तो चलो बेटा जल्दी कंफर्मेशन दे ताकि मैं अपना आगे का काम स्टार्ट कर दूं। विजिबिलिटी सही है जो मैं बातें बोल रहा हूँ, वो आपके लिए प्रॉपर ऑडिबल है, कोई दिक्कत नहीं? चलो सर। हाँ बेटा, तो क्या दिया था मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर में, मैंने कुछ दिया था क्या आपको टास्क वगैरह कुछ? हाँ सर, होमवर्क दिया था। दिया था बेटा, बता बोलो। 30 से 44 बता देना। अच्छा, सवाल मॉडल से दिया था क्या? हाँ सर, मॉडल से दिया था। हाँ यस सर। मॉडल से दिया था सवाल, कितने सवाल दिए थे बताओ? सबसे पहले आपको जो बता रहे हैं, इलिप्स में मैं कुछ बातें आपको करूंगा तो समझना, पहले आप सुन लो। एक मिनट, तो सबसे पहले मैंने इलिप्स के बहुत सारे इक्वेशन ने आपको बताया था, मैंने क्या क्या बताया था टेंजेंट फॉर्म में, थोड़ा सा मुझे बता दें। टेंजेंट के पहले आप इक्वेशन मुझे बताएं इलिप्स में क्या था बेटा, बोलना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन इलिप्स कुछ तो था, और कितने सारे फॉर्म देखा था याद करो। तीन फॉर्म देख चुके थे आप। पॉइंट फॉर्म तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात है किसका याद किसका करने के लिए मैंने बोला था आपको, स्लोप फॉर्म याद है क्या आपको? स्लोप ऐसा ही था क्या, बताओ मुझे। हाँ तो चलो ठीक है, अब इसमें एक बात तुम्हें याद होगा, इससे हमने और भी कुछ डिराइव किए थे क्या? नहीं, इसका एक बात बताओ मुझे, पैरामेट्रिक फॉर्म में बताओ पहले, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना था इसका? x cos theta upon a plus y sin theta upon b equals to 1 theta comma b sin cos theta plus y upon b sin theta equals to 1 ये था क्या? ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट फॉर्म तो आपको पता ही, x into x1 upon a plus y into y1 upon b square equals to 1। टेंजेंट के इतने सारे फॉर्म मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले मैं टेंजेंट पे और नेक्स्ट और भी आपको बोला था मैंने, डायरेक्टर सर्कल क्या था वो बताओ मुझे, बोलो। ऐसा सर्कल जिसकी डायमीटर में स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी वैसा सर्कल क्या बोल रहे थे, बोलना फिर से, डायरेक्टर सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, डायमीटर मेजर एक्सिस हो, जिसका डायमीटर क्या होना चाहिए, मेजर एक्सिस हो, मेजर एक्सिस, सही बात है? नहीं सर, सर वो तो ऑक्सिलरी होता है सर, वो ऑक्सिलरी सर्कल है। जब अभी जब नहीं पकड़ा, जब दो टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस पॉइंट से, परपेंडिकुलर टेंजेंट वाला, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट इज द डायरेक्टर सर्कल, बोलिए। तो जैसा कि आपको पता है डायरेक्टर सर्कल के बारे में, आप सभी जानते हो कि इसके टेंजेंट आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट एक लोकस पॉइंट होता है, वो यदि मूव करा चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक मान के, तो क्या निकलता है, डायरेक्टर सर्कल, जिसका इक्वेशन क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेट इक्वल टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ कोई बात नहीं, और क्या था डायरेक्टर सर्कल के बाद, क्या था बेटा बोलना? ऑक्सिलरी सर, ऑक्सिलरी सर्कल था। ऑक्सिलरी सर्कल में हमने क्या किया था, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के हमने एक सर्कल बनाया था जिसको हम ऑक्सिलरी सर्कल बोले थे। क्लियर? हां सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन? यस सर। यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। रेडी? यस सर। यस सर। तो चलो मैं मूव कर रहा हूं आगे, जो आपका डाउट है मॉडल का उसको पहले कवर कर लूं। हां सर। ट्राई किया ना आपने?
थोड़ा सा मुझे बता दो, याद दिला दो, क्वेश्चन नंबर कहाँ से था? 30 से कितना? 30 से 44 क्वेश्चन नंबर 30 से 44 था। आगे जैसा आप सभी को पता है क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा बताना मुझे, याद दिलाना। चलो सही है ना, बी साइन थीटा। हाँ चलिए ठीक है, तो पहले मैं, और यहाँ पे थीटा क्या है, इसेंट्रिक एंगल, पता है ना आपको? और थीटा का वैल्यू लेकर के 2 पाई के बीच में होता है, बस हमें इतना ही कंसेप्ट है और यही कंसेप्ट को हमें यूज करना है। तो चले मूव कर रहा हूँ, आपका जो डाउट है पहले उसको मैं निपटा दूं, उसके बाद मैं आऊंगा अगले कंसेप्ट पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए आप, 30 से 31 कितना? 31 तक कोई डाउट? 34 चलिए 34 नो सर, नो सर। हाँ 32 नंबर आ गया, हाँ सर आपने बताया था, सर आपने बताया था सर, 32 आपने बताया था सर। हाँ तो चलिए ठीक है, वो मैंने बता दिया था। तो 34 नंबर में कितने लोग को डाउट है, कृपया कर रेज करें हैंड, बताएं 34 नंबर। द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एलिप्स दिस, ठीक है बहुत लोग का डाउट हो गया, चलो ठीक है मैं सबका नाम बोल रहा हूँ, 34 नंबर ना, गुड, बहुत लोग का डाउट, बहुत अच्छी बात है, इतने लोगों ने पूछा, बहुत अच्छी बात है। देखना The point in the first quadrant of the ellipse x square upon 45 अरे यार दो दिन से नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, आपका भी जियो है क्या सर? सभी है यार, जियो है, एयरटेल है, एयरटेल अच्छा चलता सर, अब एयरटेल सिम तो चला रहा हूँ, तो तू बोल रहा है ब्लर हो रहा है, अब इसको अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ। जियो के कभी कभी बहुत सर्विस गंदे आते हैं सर, 2-2 3 तक बंद रहता था बेटा, किसके सर्विस गंदे आ जाएंगे इस समय सिचुएशन में, कुछ कह नहीं सकते। हाँ सर देखो अभी सही हुआ, ओके अभी क्लियर है सर, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल सर, यस सर। चलो तो मैं सवाल नंबर 34 आ रहा हूँ लेकर के, देखना लेट कमर्स वास्तु, 34 नंबर सवाल समझिएगा, 34 नंबर सवाल क्या बोलता है, द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 144 इक्वल्स टू 1, ऐसा ही कुछ है ना, लग तो रहा है ऐसा। At which the tangent makes equal angle with the axis, यानी कहने का मतलब कि एक इलिप्स है, इलिप्स भी ऐसा है, इलिप्स भी ऐसा है और इक्वल एंगल इसके टेंजेंट मेट बना रहा है, कहां पे? द पॉइंट ऑफ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, यानी कहने का मतलब कि ए लाइन एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, यानी एक्स एक्सिस हो गया, जिससे कि दो टेंजेंट बन रहा है और दोनों टेंजेंट का एंगल इक्वल है, ऐसा बताया जा रहा है, यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ऐसा है जिससे मैंने मान लिया कि एक टेंजेंट इधर से ऐसा जा रहा है और यहां से एक टेंजेंट इस तरह से ऐसा आ रहा है, अब एक बात समझना सबसे पहले, करना क्या है,
point in the first quadrant of the ellipse at which the tangent makes an equal angle with the axis. एक मिनट the point ellipse पे ही बोला गया, एक बार फिर से सवाल को क्लियर करना. The point in the first quadrant of the ellipse, sir. हाँ ellipse पे होगा sir. At which the tangents makes equal angle with the axis. यानी एक sir एक ही tangent है. हाँ बेटा, हाँ बेटा, ऐसा नहीं है. एनी पॉइंट नहीं बोला, पॉइंट एनी नहीं बोला, फर्स्ट पॉइंट यानी कहने का मतलब कि पॉइंट यहाँ पे और ये इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में टेंजेंट, यानी ऐसा चित्र बराबर है. समझना कितना आसान है, कितना सरल है. तो सबसे पहले इस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी आपको पता हो जाता है. बोलना इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तुम बोलना. और इक्वल एंगल बोला है बेटा, तो एक बात समझना, इक्वल एंगल बोला है, दैट मींस कि एंगल कितना होगा फिर 45. अरे एक तो 90 डिग्री है, तो दोनों 45-45 होगा जब इक्वल एंगल है. तो बोलिए, तो ए एंगल आपका 45 हो जाएगा. बोलो तो ए एंगल कितना होगा, इधर वाला एंगल कितना होगा, बोलो 135. हाँ, अंदर वाला एंगल जब 45 है तो बाहर वाला एंगल कितना, 135 ना, क्योंकि एंगल का एडिशन 180 होता है. बोलो. यस सर. अब तू एक बात समझना, आपको पता है कि कभी भी एंगल यदि लेंगे तो एंटी क्लॉक में हमें पॉजिटिव लेना होता है. तो मैं यहां से एम यदि बात करूं स्लोप निकालने का, तो स्लोप आपके सामने निकल जाएगा कितना बेटा, बताना थीटा कितना है. 45 माइनस वन, माइनस वन आएगा सर स्लोप. तो देखेगा ना एम कितना आ जाएगा स्लोप, नहीं वन स्लोप की क्या मतलब है, जाने दो ना. स्लोप निकाल के भी क्या है, ये तो 45 डिग्री एंगल तो पता लग ही गया ना कि अंदर वाला 45 है. तू बता कि इसका डिस्टेंस कितना है. नहीं, वो डिस्टेंस से भी काम नहीं चलेगा. नहीं, स्लोप निकाल दिया मैंने 35. रुक जा. इसके थीटा कितना है, 135 डिग्री ऐसा. और ए कितना है, किस तरह से कुछ ऐसे आंसर हैं क्या अपने पास, क्योंकि यहां से एक लाइन बना तो दिया मैंने, बट आपको पॉइंट चाहिए एलिप्स. सर ए फाइव है क्या, कुछ डायरेक्टर सर्कल वगैरह कुछ तो नहीं बोला ना. द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एलिप्स, ओके, at which the tangent make equal angle with the axis. यानी आपको स्लोप निकल जाएगा, लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा. ठीक है, जब लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा तो ये पॉइंट भी निकलना चाहिए. ये तो हमें को पता है थीटा cos थीटा, नहीं वैसे नहीं होगा सर, स्लोप माइनस वन आएगा. स्लोप तो माइनस वन आ जाएगा, एम का वैल्यू माइनस होना जाएगा और स्लोप तो चल ठीक है माइनस होना जाएगा. तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन तो निकल जाएगा, लेकिन हमें पॉइंट निकालना है ना. ए का वैल्यू कितना है बताओ मुझे, ए का वैल्यू 5 एंड बी का वैल्यू कितना है. तो ऑप्शन में कुछ इस तरह से तो नहीं दिख रहे हैं, ऑप्शन भी तो बहुत गंदे गंदे दिख रहे हैं. क्या दिया आंसर, क्या दिया आंसर, चेक करना थोड़ा. बी ऑप्शन है, डी बी 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 25/13.13 और 144/13 ऐसा लिस्ट पे है क्या, देखा क्या तुमने 25 कौन दे रहा है सर.
और कितना है 144 अपॉन 13 लिस्ट पे ही है क्या x स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन 169 सही है हां जी लिस्ट पे ही पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है थोड़ा सा देखता हूं अलग लॉजिक लगा के कि पॉइंट तो आना चाहिए ऐसा बट और यहां से इस पॉइंट से टेंजेंट यदि मैं खींच रहा हूं ए पॉइंट से यदि मैंने टेंजेंट खींच लिया तो एंगल दिस और दिस दोनों एंगल आपस में सेम होगा इक्वल होगा And this one is the 45 degree. And this one is the 45 degree. इधर भी है. A 90 degree. तो हमें निकालना है पॉइंट यदि निकालना होगा x1 कॉमा y1. लेकिन बेटा आसान तो ही होते हैं यार. अच्छा ये लाइन का स्लोप क्या निकल जाएगा? Minus one. लाइन का स्लोप क्या निकल जाएगा? उससे हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते ना? क्या? स्लोप आया तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा ना? फिर वो टेंजेंट को इक्वेशन में इक्वेशन को इसमें डालेंगे लिप्स केस में क्या निकलेगा फिर वहां से? यदि मैंने पैरामेट्रिक सही लिखा हो ना चेक कर लेना सही होगा और ये पॉइंट ऐसा है इलिप्स पे तो आपके लिए बन क्या जाएगा यहां से ए की जगह कितना है 5 है 5 cos theta और बी की जगह है 12 सर हां अगर स्लोप फॉर्म से टेंजेंट का इक्वेशन निकाला और फिर उसमें से y निकाल के वो इलिप्स के इसमें डाला तो फिर d इक्वल्स टू 0 पर कंडीशन लगा के x और y नहीं आएंगे क्या x और y नहीं चाहिए ना बेटा हमें पॉइंट चाहिए ना सर फिर वही आएगा ना एंगल इधर है इसका सर मैं क्या बोल रहा अगर हमने टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म से निकाला ना तो फिर उसमें से अपन ने वो t ग्रेटर देन 0 वैसे तीन कंडीशन थे ना वो वैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के वहीं से तो इक्वेशन डिराइव हुआ है कुछ भी करोगे तो दुनिया गोल है घूम के वहीं आ जाओगे हमें पॉइंट को यदि ऐसा मान लिया और यहां से टेंजेंट यदि बना लिया वैसे भी यदि करते हुए पॉइंट को मैंने मान लिया x1 by 1 तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका बन जाएगा x into x1 upon 25 plus y into y1 upon 144 that equals to 1 एक बन गया और दूसरा आपका बन जाएगा इक्वेशन कैसा स्लोप फॉर्म में y इक्वल्स क्या होता है mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बोलना अंडर रूट ऑफ कितना a a स्क्वायर m स्क्वायर ना अच्छा बन जाएगा बेटा इससे बनेगा जो क्रॉस लगा रहा हूं इससे बनेगा क्यों बनेगा देख लेना समझना पहले m की जगह कितना होगा m तो माइनस में निकल जाएगा m तो माइनस हो निकल जाएगा क्यों क्योंकि थीटा का वैल्यू यहां पे कितना 135 है m माइनस होने दी आ गया तो y = -x plus minus अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर का वैल्यू 25 m स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस एज इट इज b स्क्वायर 144 है वो भी आ जाएगा अब तुम बताओ कि माइनस x यदि इधर आ जाता तो x plus y हो गया दैट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 144 plus 25 13 हो जाएगा प्लस माइनस कितना 13 ऐसा बन गया और एक काम कर रहा हूं अपॉन 13 कर लेता हूं मैं इसमें तो x अपॉन 13 प्लस y अपॉन 13 1 लेता हूं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं नंबर सेकंड बना लिया इक्वेशन इसको और यदि मैंने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लिया कुछ से कुछ आपके सामने निकलेंगे क्या आएगा बेटा बोलो From comparing first and second,
कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इतना आ जाएगा, बताओ मुझे x1 अपॉन 25 दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन 13, बोलो कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, एंड y1 अपॉन 144 दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन 13, तो x1 का वैल्यू आ गया 25 अपॉन 13 और y1 का वैल्यू निकल गया 144 अपॉन 13। सर वो m की वैल्यू -1 ली है क्या? क्योंकि मैं क्या कर रहा था इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपका आंसर पैरामेट्रिक में नहीं था, आपका आंसर तो m की वैल्यू क्या ली है? क्या बोल रहे हैं? m की वैल्यू 1 ली है क्या? -1 ली है, -1 लिया, -1 क्यों? क्योंकि एंगल हम इसका नहीं पकड़ के इधर वाला एंगल पकड़ते हैं, एंटी क्लॉक वाला, तो थीटा का वैल्यू 135 डिग्री, तो एम का वैल्यू टैन 135 यानी -1, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ये पहले वाले अप्रोच से अपना जो कोऑर्डिनेट आ रहा था वो कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म में थे, लेकिन वो कोऑर्डिनेट पैरामेट्री को यदि मैंने इस कार्टिजन में बदल लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता, यही आंसर आता। चलो जल्दी लिखो, फास्ट लिखो, सवाल बेहतरीन है, बेहतरीन मतलब उतना भी यह नहीं है, लेकिन अप्रोच जो है वो मैंने पैरामेट्री का लगा रहा था, लेकिन आपका आंसर कार्टिजन से जो आपके सामने है। चलो जल्दी बेटा फास्ट लिखे, लिख के हो जाए तो बताना। यस सर, लिहून झाला नंतर सांगा लवकर, मी बाट पाहतो तुम्हाला। झाला? यस सर, इतना भी जल्दी नहीं है, लिखा के ऐसे बोल दिया कि हो गया सर। लिखा सर। हो गया, चलिए नेक्स्ट बोलिएगा डाउट। 36 कौन सा? 36 36 हाँ। चलो सवाल रीड करना सर। 35 भी मेरा 35 ही है। 35 भी है, रीड करना सवाल, इंतजार कर रहा हूं सर। मैं करूं क्या?
तो तुम्हारा डाउट है तो कौन करेगा? सर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 where a is greater than b at the end of lattice rectum in the first quadrant is क्या किया तुमने? 35 नंबर ना at the end of lattice rectum तू बता इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यदि हमें निकालना है एंड ऑफ लेटस रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स तो क्यों नहीं आया बेटा? तो सबसे पहले ये आ गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है ए ग्रेटर देन बी है ना? हां सर सिंपल ही प्रोसेस है उतना दिया हुआ जब ए ग्रेटर देन बी इलिप्स ऐसा हो जाए बना दिया लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट हो जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट इल यानी कितना बोलो a कॉमा b स्क्वायर अपॉन a अरे तो x1 y1 इसको यूज कर लेना इलिप्स में रिप्लेस कर लो जो आएगा आंसर होगा हां सर बेटा इलिप्स का इक्वेशन दिया ना x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इक्वल्स 1 तो रिप्लेसमेंट आप जानते हो ना तो x into x1 x1 की जगह a ही है अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे आपका कितना b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन a इक्वल्स 1 एक a यहां से कैंसिल एक b स्क्वायर यहां से कैंसिल बचा कितना xe प्लस y है ना अपॉन a इधर चला आएगा क्या चिल्लड़ पूछ रहे हो यार तुम बोलो ना हम भी वही हैं सर ना लाइक आसान डाउट होते हैं यार आसान क्वेश्चन डायरेक्टली जो दिख रहा है आंखों के सामने और उसी को तुम पूछ रहे हो नेक्स्ट बोला फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप क्वेश्चन यदि सोचने वाला रहा तो बना सकते हो आप देखना जो बिल्कुल भी जीरो लेवल पे है उतना आपसे एक्सपेक्ट करता हूं मैं ध्यान रखना कुछ एक्सपेक्टेशन पाल के मैं भी रखा हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 36 हां एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस इज एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट 1.2 से बना जा रहा है बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा स्ट्रेट लाइन का रेडियो यस सर पक्का हाँ सर यस सर मैं क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट नहीं भी यूज करूंगा तो बनाऊंगा दूसरे मेथड से बनाता हूं तैयार हो आप लोग यस सर एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पहले सवाल एक बार पढ़ना बढ़िया से देखना हर कोई सवाल से सीखना बेटा क्योंकि सवाल भी बेहतर ही है सीखना कितना है 36 पढ़ना सवाल पढ़ना एक बार एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट 2y स्क्वायर 3x स्क्वायर = 5 2y स्क्वायर = 5 एक काम करना 5 से डिवाइड कर लेता हूं इक्वल्स कितना 1 कर लिया और एक कुछ नहीं तो अपॉन 3 कर दिया अभी कुछ नहीं तो अपॉन 2 कर दिया ऐसा ही अब तू बता मुझे 5 अपॉन 3 बड़ा कि 5 अपॉन 2 5 अपॉन 2 5 अपॉन 2 हां देख लो हां सर कंफ्यूज होंगे अभी भी लोग नहीं सर जानने का मतलब कि नो डाउट कि b ग्रेटर देन a है इलिप्स तो बन जाएगा क्लियर और एक पॉइंट भी दिया हुआ है कितना 1.2 दिया हुआ है तो सबसे पहले तू बता इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता मुझे क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म बोलो तो थोड़ा बताओ y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडररूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाकी लोग भी बेटा थोड़ा सा बोल दिया करो यार दिन अच्छे गुजरेंगे यदि तुमने बोला तो y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडररूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर अरे बोलो यस सर अब एक बात आपको a स्क्वायर का भी वैल्यू पता है m और b स्क्वायर का भी वैल्यू पता है आपको तो कितना आ जाएगा और एक पेयर ऑफ टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर रहा हूं एक पॉइंट से ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा
तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा मान लेता हूं, समझना। y is equals to mx plus minus a square का वैल्यू आपको 5.3, नेक्स्ट कितना है 5.2 लिख दिया मैंने, ऐसा समझा सर? क्या समझा सर? क्या सीएम निकालेंगे फिर टेन थीटा निकाल के थीटा निकाल लेंगे। हाय 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 क्या बात समझा, निकलेगा? हाँ सर। हाँ चलो जल्दी सही पकड़ा। अब एक इक्वेशन पासिंग विद द पॉइंट भी आपको पता है कितना है, पासिंग पॉइंट नहीं, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा था, 1.2 से पास करो इसमें कितना जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3 एम स्क्वायर प्लस 5/2। सॉल्व करो थोड़ा सा, 2 माइनस एम कर लेता हूं, इसका स्क्वायर कर लिया, इधर से रूट हट जाएगा। चलो कैलकुलेशन, एम निकालो कितना जाएगा, 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस कितना 4m इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा एलसीएम इसके 6, तो 10m स्क्वायर प्लस कितना 15 और 6 से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चलो ये कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में बेटा, इतना तो कर ही सकते हो तुम, कितना आ जाएगा फिर बताऊंगा। 6m स्क्वायर, बस एक कैलकुलेशन करना है छोटा सा, 6m स्क्वायर इधर 10m स्क्वायर है, उधर लेके जा रहा हूं तो 4m स्क्वायर बचेगा। नेक्स्ट कितना बेटा, 6 × 4 − 24, उधर लेके जा रहा हूं तो प्लस 24 हो जाएगा। बोलो क्या कैलकुलेशन आता नहीं, वाओ यहां पे 24 हो जाएगा, इधर 15 है तो कितना होगा −9। बोलो जनाब क्वाड्रेटिक बना ऐसा। अभी इसके दो रूट पकड़ लेता हूं m1 और m2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप जानते हो m1 प्लस m2 कितना आएगा, सम ऑफ रूट −24/4 −6 एंड m1 इंटू m2 कितना आएगा प्लस माइनस प्लस यानी −9/4 ऐसा। तुम्हें tan थीटा का रिजल्ट पता है, मोड ऑफ m1 दो का स्लोप का m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 स्ट्रेट लाइन का ही कंसेप्ट है, एंगल बिटवीन टू लाइन, एक लाइन का स्लोप m1 है दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, बराबर एक का m1 पकड़ लिया एक को m2 पकड़ लिया, तो m1 प्लस m2 पता है आपको, मोड ऑफ है −6 अपॉन 1 माइनस m1 m2 कितना है −9 अपॉन 4 हो जाएगा। यदि कैलकुलेशन कर दिया −6 एंड 9 × 4 = 13 और 6 × 4 = 24 हो जाएगा अपॉन 13 यानी 24/13 एंगल बिटवीन क्या ऑप्शन नहीं सर, वो ऑप्शन नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं गलत तो नहीं किया मैंने, अप्रोच सही है, कैलकुलेशन चेक करो, मे बी कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो देख लेना थोड़ा, क्योंकि सभी सवाल आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा और ये फॉर्मेट में सवाल करना बहुत 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 जरूरी है। बोलिए, दो मिनट सर, कैलकुलेशन चेक करिए और बताइए, नहीं तो बेटा एक कंसेप्ट है पेयर ऑफ टेंजेंट का, अभी बताया नहीं हूं मैं, बताया क्या आपको, बहुत सारे कोनिक्स का तो पेयर ऑफ टेंजेंट पता ही है ना आपको, टी स्क्वायर डेट इक्वल्स टू एस इनटू एस1।
बताया हूँ ना, बिल्कुल बताया बेटा। फिर उसके बीच में tan थीटा का रिलेशन वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लगेगा कॉन्सेप्ट, 2 into under root of h square minus ab upon mod of a plus b, like a pair of straight line बताऊंगा मैं, लेकिन तू बता उससे ही करके दे रहा हूँ आपको। क्या कहीं लग रहा है कहीं कुछ? 2 minutes इक्वेशन वही आ रही सर, इक्वेशन यही पढ़ रहे थे पहले। माइनस सिक्स और एम वन प्लस एम टू कितना जाएगा? माइनस नाइन अपॉन फोर। ऐसा माइनस सिक्स अपॉन वन प्लस नाइन अपॉन दिस 24 माइनस 24 अपॉन 13 क्या दिया आंसर? क्या दिया इसका? tan inverse 12 root 5 sir। कौन सा है? 12 upon root 5 है? हाँ नहीं, tan inverse of 12 upon root 5 ना? हाँ सर, हाँ सर। दूर दूर तो कहीं दिख नहीं रहा है, 1.2 से पास कर रहा हूँ। Equals to minus 9 by 4 plus हो जाएगा, सही तो है यार, नहीं तो एक काम करना, फिर यदि मैं मेथड से चलू क्या, पेयर ऑफ टेंजेंट वाले मेथड से चलू? अच्छा इतना लिख लिया ना तुमने? हाँ सर, इतना लिख लेना, देखता हूँ दूसरे मेथड से क्या बनता है। हालांकि दोनों मेथड तो एक ही जैसे हैं, कुछ है नहीं अलग। हेडिंग देना आप कंसेप्ट में, कंसेप्ट में एक हेडिंग देना, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट। बस इतना आपको मैं पूछूंगा तो बताना मुझे, देखना इतना लिख लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं आपको अगले कंसेप्ट पे आ रहा हूं, कंसेप्ट लिख लेना पहले, सिमिलर कंसेप्ट करके हेडिंग है ना, सिमिलर कंसेप्ट टू ऑल कॉनिक्स के लिए, जो आपने सर्कल में देखा, पैराबोला में देखा, एलिप्स में भी देख रहे हो, देन यू हैव टू ऑल्सो सीन इन हाइपरबोला। तो नंबर वन लिखना, कंसेप्ट है जो एज यूजुअल काम करेंगे बाकी सभी कॉनिक्स के लिए। नंबर वन पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जिसको बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कुछ नहीं करना है, टी इक्वल टू जीरो कर लेना। टी इक्वल टू जीरो का मतलब टेंजेंट के इक्वेशन को जीरो करना है। क्या करना है? टेंजेंट के इक्वेशन को जीरो। और टेंजेंट निकालते कैसे? वो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, आपको रिप्लेस करना है। रेडी? हां सर। नेक्स्ट लिखना, सेकंड नंबर, इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मिड पॉइंट of chord, या chord bisected at midpoint भी कहीं मिलेगा तो एक ही बात है, जिसको हम बोलते हैं t is equals to s11। याद करो s11 भी बताया हूँ मैं आपको और t भी बताया हूँ। हाँ सर। जवाब रेडी? यस सर। तुम्हें कितने नंबर पे आ रहा हूँ? तीसरा नंबर है आपका पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ
टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, ऐसा लिखना स्क्वायर इक्वल्स टू एस इनटू एस वन वन। क्या बात है, समझदार निकला यार। टी स्क्वायर डेड इक्वल्स टू एस इनटू एस वन वन। बेटा सर्कल से लेकर के यहां तक, सर्कल से लेकर के सर्कल तक यानी हाइपरबोला तक सेम कंसेप्ट वेयर किया हूं, बस कर्व बदलेंगे, पॉइंट बदलेंगे, ना तो हम बदलने वाले ना तो तुम बदलने वाले, कैलकुलेशन करने हम जानते हैं अच्छे तरह और बहुत ही बेहतर तरीके से निपट लेंगे। तो मैं एक सवाल देना चाहूंगा, लिख लेना सवाल लिखना, और मैं वही सवाल, इसी सवाल को दूसरे मोड, हाँ बेटा बढ़िया से लिख, बढ़िया से बेटा, हो गया सर। सर यस बॉस बोलो। सर वो ये पेयर ऑफ टेंजेंट में यस मतलब एलिप्स का इक्वेशन ना। ओ यस बोले तो कर्व होता है, बराबर है, रेडी? हाँ सर। जला यस सर, यस सर। अर्चन नो सर। चलो तो एक सवाल लिखना, पहले एक सवाल लिखना, उस सवाल को करेंगे फिर इसको लगाएंगे अपन। पहले पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं वो देखना है आपको, क्योंकि कॉर्ड वगैरह का है सवाल आपको मिला था क्या आगे आपको? हाँ सर एक ही आगे मिला था। हाँ रास्ते में, क्योंकि रास्ते में से तुम गुजरे हो ना यार, मैं थोड़े गुजर रहा हूँ, वो तो तुम बताओगे वैसा मैं बताऊंगा। तो चलो हाँ राइट डाउन फाइंड द इक्वेशन वाला है सर, 70 नंबर। क्या 70 नंबर है पेयर ऑफ टेंजेंट? 70 नंबर है क्या? मैं 36 से पहले बता देता हूं ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 drawn from the point 1, 2 नहीं नहीं मैंने गलत किया था बेटा, अभी पिछले वाले में गलत कहां किया था देखो, अभी मेरे दिमाग में आया यार, इलिप्स सुनो नालायक हो देखो, हमने इलिप्स यहां पे b ग्रेटर देन है, और मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट a ग्रेटर देन b का लिया। अरे हाँ सर, और तुम लोग किसी ने नहीं बताया, अभी मैं लिखा रहा हूँ कि आखिर कंसेप्ट सब सही है तो गलत कहाँ किया मैंने, तीन ध्यान आया ना अभी कि ए इक्वेशन आपको गिवन है बी ग्रेटर देन ए का, बराबर है, और हमने टेंजेंट किसका लिया, ए ग्रेटर देन बी का, ग्रेटर देन बी का, समझ पा रहे हो? हाँ सर हाँ सर, अब तो यार तुम बना लोगे, मेहनत करो बेटा उसको, एक बार फिर से उसको करोगे जो तुमने लिखा। सर यस सर, इक्वेशन कहां पे मिस्टेक हुआ, बात समझ में आया क्या? हाँ सर समझा। हाँ सर मिस्टेक आपसे नहीं, मिस्टेक आपसे हुई, क्योंकि आपने ही बोला टेंजेंट का इक्वेशन है सर, तो मैंने लिख दिया, लेकिन अभी ध्यान में आया कि ए तो बी ग्रेटर देन ए है यार, और मेरे को ध्यान में क्या है, डायग्राम इसके लंबे बने थे बराबर, और टेंजेंट हमने लगाया चौड़े वाले का, लगा लोगे फिर? हाँ सर लगा लेंगे। यस सर, वही फॉर्मेट हर कोई करके मुझे बताएगा, अभी मैं आगे बढ़ना चाहूंगा फिर। यस सर रेडी, आगे बढ़ो फिर। हाँ सर क्वेश्चन नहीं करना है क्या? मैं तो इसको दूसरे मेथड में सोच रहा था बनाने के लिए, क्यों नहीं आएगा, गलत कहाँ हुआ? लेकिन गलत जब समझ में आया कि गलत हमने और किया है, तो गलती को छिपाने के लिए 100 गलती थोड़ी करना है। रेडी चलो नेक्स्ट, लेकिन चलो उसी बारे दो तीन कंसेप्ट और भी तेरे पास चला गया। नेक्स्ट बोलो बेटा, फिर बोल 49 तीन कंसेप्ट लिखा ना, इसका यूज करूंगा मैं अभी। 39
और हर कोई करके मुझे दिखाएगा बेटा, ग्रुप में भेज देना आप लोग। हाँ सर। तो नॉर्मल वाले करने नहीं थे क्या? क्या बोल रहा? नॉर्मल वाले सवाल मैं अभी मत लगाना, जितना मैं बताया उतना ही करना ना अभी। इधर देखो, मैं भूल गया था नॉर्मल देखना कि आपका सिलेबस में है या नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं है बेटा, क्योंकि लिखा ही नहीं है उसमें। लेकिन तो भी मैं एक बार बता दूं क्या फिर नॉर्मल भी? सर बता दो सर, बता दो सर। चलो ठीक है ना, जितना सीखे उतना तो पहले बता दू। आएगा जहां पे नॉर्मल वहां पे लपड़ जाएंगे अपन। 39 है ना नॉर्मल। चलो टेंजेंट आ गया ना, तो नॉर्मल बाएं हाथ के खेल है। टेंजेंट से भी अपन नॉर्मल निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। और तरीके बता देता हूं। पहले सवाल पूछो आप। 44 इधर के होंगे सवाल सभी। हाँ इधर के सवाल, ऑक्सिलरी सर्कल वगैरह सब, कोई डाउट इधर से? साक्षी वेद विष्णु और वित्त साथ तो इंतजार करते हैं कि सर रिकॉर्ड कर दे। चलो जल्दी बेटा, हो गया कोई डाउट अंदर? अगर पतली गली में आया 44 नंबर अथर वेट मोहित साराक्षी ओंकार बेटा, बाकी लोग ऐड तो भी करो यार कम से कम, जिसके नाम इतने लिया मैंने, अनंत वैभव और बोलो पार्थ अंकी कोई सुमित रीड कर बेटा सवाल। सुमित अमोल और किशन चेतन कुसुम ललित प्रतीक लोगों ने नहीं पूछा बताओ मुझे 44 रीड तो करो कम से कम। सर ब्लर हो गया, ब्लर और नेटवर्क बांध के रखना पड़ेगा। चलो ठीक है बताता हूँ। ए मैन रनिंग अराउंड ए रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू फ्लैग पोस्ट From him is 8 meter. The area of path he enclosed in square meter if the distance between flag post is 4. सबसे पहले तो मैं चित्र बनाऊंगा। एक पे यहां पे ऐसा बोला है, पाथ बोला, दो फ्लैग पोस्ट है यहां पे एस और एस डैश, और एक आदमी है मैन जो घूम रहा है इस पार्क में इस तरह। दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस भी आपको उसको दिया है 4। मैन रनिंग अराउंड ए रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज 8 मीटर। यानी करने का मतलब कि एस पी प्लस एस डस पी दैट इक्वल्स टू 8 मीटर। यदि मान लिया, यदि मैं मान लेता हूं कि जो रनिंग वाला जो उसका जो रन कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल ना हो, क्या वो वर्टिकल रहा तो भी चलेगा, वर्टिकल रहा या हॉरिजॉन्टल रहा तो भी चलेगा। तो मैंने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल है, तो इसका बेसिक डेफिनेशन आप जानते हो एस पी प्लस एस डस पी 2a के बराबर होता है, तो इक्वल्स टू 2a लिख देना। और ऐसे स्ट्रेस से निकालने का मतलब 2a e के बराबर होता है। तो 2a का वैल्यू यदि 8 रख दिया मैंने इसमें तो e कितना निकल जाएगा बोलो? 4 डेट इक्वल्स टू 4 डेट इक्वल्स टू 8 e, तो e निकल जाएगा 1/2। हां यस सर रेडी। अच्छा तो e कितना निकल गया तो
तो आपको a का वैल्यू तो पता है बेटा, a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू कितना है 4 है, क्या तो b कितना है, आपका एक रिलेशन तुम्हें पता है कितना a स्क्वायर इनटू बोलो ना तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 16 इनटू 1 माइनस e स्क्वायर का मतलब 1/4 तो 4 में से क्या 3 / 4 तो 16 इनटू 3 / 4 चार से एक कैंसिल होगा यानी 12 बीस पर का वैल्यू कितना निकल गया 12 और एस पर का वैल्यू कितना निकल जाएगा 16 इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एस पर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीस पर इज इक्वल टू 1 और फिलिप्स का एरिया मैं आपको बता चुका हूं पाई इनटू ए एज इट इज ए का वैल्यू 4 है और एक बी का वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट ऑफ 12 यानी कितना 2√3 तो कितना 8√3 बाय आया सर इतने नहीं का आंसर एस आर डी है हाँ मारो दंगल लागे बड़ो जल्दी औरंगाबाद में क्या हाल है यार कोरोना का पता है तुम लोग खत्म हो गया है कि खत्म हो गया है सर सर आपने क्या रूरल एरियाज में ज्यादा है सिटी से ग्रामीण है क्या ज्यादा है ग्रामीण में ज्यादा हाँ वहां पे ज्यादा सर सिटी से सर वो बीच में ढीला था तो शादी वादी पे ज्यादा आ गए लोग तो वो बढ़ गया और सिटी में कम है सिटी में पहले निकल रहा था 1000-2000 लेकिन अभी वो 400-500 पे आ गया 500-600 हाँ सर औरंगाबाद 6 नंबर से अब 9 नंबर पे आ गए मास्टर हाँ ना यार देखो क्या होता चलो कुछ नहीं होगा अपना प्रिकॉशन रखनी है रखना है और काम करना है कोरोना भगाने के लिए सबसे आसान उपाय बेटा मैथ्स के प्रॉब्लम जितना ज्यादा ज्यादा लगाओ कोरोना भग जाएगा उसको डर लगता मैं एक अंदर की बात बता रहा हूँ एक अंदर की बात बता रहा हूँ कोरोना को डरता है मैथ्स से इसलिए मैथ्स लगाओ और कोरोना भगाओ चाइनीज लोग मैथ्स से डरते सर हाँ उसका दिमाग खराब हो जाता इसलिए वो बेटा पढ़ता नहीं पल्ले इसलिए भग जाता वो इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैथ्स लगाओ और कोरोना भगाओ रेडी 72 सर 70 भी है इधर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोला करने के लिए क्या नहीं वो हो गया था सर अच्छा हो गया था हाँ फिर बोलना कितना है टी देखो मैं टी आ गया इसका स्क्वायर टी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू एस इक्वल बनेगा मैं बना दू कोई नहीं बोलता है अरे कम से कम मुंह के डब्बे तो खोलो बाकी लोग बोलना सर मुंह बंद है मुंह ही नहीं है मुंह दूसरे को दे दिया सर आ गए सर यार तू थोड़ा धीरे बोलना ना जल गया ना मेरा मुंह इतना कस के यार तू अथर बोला कि मैं चाय पी रहा था लग गया ना अपना
चलो सॉरी सर, कितना नंबर आ गया? 72 नंबर। अच्छा वेद कट आउट था, वेद? हाँ सर। आया बेटा तुम्हारा 70 नंबर? 70 आया सर। चलो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, सब टाइगर परफॉर्म किसके लिए? आउट बोल बेटा, आउट बोल, खूब बोल, खूब बोल। Tangents are drawn through the point 4, comma root 3. कितने नंबर? 72? किसका डाउट है? मेरा। कौन है तू? वेद। चलो वो जानना जरूरी है ना, कौन पढ़ रहा है। 72 बोल बेटा, वेद। Tangents are drawn through the point 4, comma root 3. The ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equals to 1. The points at which the tangent touch the ellipse. अच्छा उसको पढ़ा तुमने, लेकिन नहीं, tangent are drawn from the point 4 comma root 3. 4 comma root 3 से tangent drawn किया जा रहा ellipse पे, x square upon कितना? 16 plus y square upon 9. That equals to 1. ऐसा है ना? हाँ. The point at which these tangents the ellipse are 4 comma root 3 कहाँ पे हो जाएगा? 4 इधर, root 3 3 upon 9. Tangents are drawn to the point 4 comma root 3 to the ellipse. 4 comma root 3 की बात कर रहा हूँ, minus 1 radical से 0 कर रहा हूँ, यानी check कर रहा हूँ 16 upon 16 plus 3 upon 9 minus 1. पहले चित्र जरूरी है बेटा, चित्र बहुत जरूरी है, ऐसा बना दिया। सवाल फिर क्या बोलता है? और सवाल को एक बार नहीं, कम से कम दो तीन बार पढ़ना करते करते। Tangents are drawn through the point 4 comma 3 to the ellipse this. The point at which these tangent touch the ellipse are. यानी कहने का मतलब ऐसा है कि जहां टच कर रहा है ellipse को, तो सबसे पहले काम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेंगे अपन यहाँ पे। एक पॉइंट को मैंने मान लिया ए, मान लेता हूँ x1 कॉमा y1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ मुझे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x into x1 upon 16 plus y into y1 upon 9 equals to 1. तो करो ना, upon 16 plus ये हो गया tangent का equation। अब ये tangent किससे pass कर रहा तो बता मुझे, 4 comma root 3 से ना, तो 4 upon 16 x1 प्लस कितना? रूट थ्री वाई वन अपॉन नाइन रेड इक्वल टू वन। देखना सवाल बहुत सिंपल तरीके से करने के लिए मैं बता देता हूँ, रूट थ्री है ना, तो अपॉन टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री कर देता हूँ और थ्री कैंसिल हो जाएगा, थ्री रूट थ्री एक्स वन अपॉन फोर प्लस वाई वन अपॉन थ्री रूट थ्री रेड इक्वल टू वन। एक्स वन वाई वन का रख के देखना इसमें जो है आंसर होगा। एग्जाम में निकालने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, जब एग्जाम में सॉल्व करना हो कुछ भी कर लेंगे यार, आंसर चाहिए अपने पास, कहीं से भी आंसर चाहिए। जल्दी रख के चेक करो क्या आ रहा है। ए ए कौन सा पॉइंट रखने का बता रहा है? 4 कॉमा 0। हां 4 कॉमा 0 रखने का कौन आ रहा है? देख लो आंसर। तो जैसा इच्छा होगा वैसा करना एग्जाम में, और एग्जाम में यार तो आंसर ही चाहिए ना।
एक भी पॉइंट यदि समझ में आया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दिए और एक पॉइंट बोला है तो पॉइंट सेटिस्फाई करनी चाहिए, बहुत सिंपल हो जाएगी। नेक्स्ट 76 कितने 76 लगाया ना? हाँ सर। हाँ, tangent 1 to each of the ellipses, these and these are drawn. If tangent meet at right angle, then locus of point of intersection is. यार ये तो बात सही है, वो ellipse है और दोनों से एक tangent निकल रहे हैं, बराबर? बोलो ना। हाँ सर। सब काम छोड़ देना, सब काम छोड़ देना और एक लंबी गहरी सांस लेना। ऐसे भी जान ही रहे हो तुम कि ऑक्सीजन की कमी होते जा रहा है पृथ्वी पे, नहीं? अच्छा। जब तक जिएंगे तब तक ऑक्सीजन लेते रहेंगे, बोलना कि लेना ही पड़ेगा सर, बिना लिए हुए कैसे काम चलता है, हालत खराब हो जाता ना यार, क्या जमाना है? चलो पढ़ लेते हैं बेटा 76 नंबर सवाल, पढ़ते हैं क्या बोलता है। टेंजेंट 1 टू ईच ऑफ द एलिप्स, दो एलिप्स है, कैसा कैसा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डेट इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ऐसा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा डेट इक्वल्स टू 1, बोलिए सर। टेंजेंट 1 टू ईच ऑफ द इलिप्स आर ड्रॉन, मैंने मान लिया कि इलिप्स बना है ऐसा, अच्छा दो इलिप्स है ना और ये दोनों को सेंटर के दोनों का सेंटर 0.0 है, दोनों इलिप्स ऐसा मैंने पकड़ लिया बेटा, कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है और दोनों से टेंजेंट बन रहे हैं, देखना है एज ए कंसेप्ट की तरह काम करेगा बेटा। एक टेंजेंट मैंने इससे बना दिया और एक टेंजेंट मैंने इससे बना दिया और दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट से क्या बनेगा, एक पॉइंट से ही इलिप्स बनेगा, देखना। तो सबसे पहले यहां से लेकर के एक को मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डेट इक्वल्स टू 1 है, यह आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, बोलो ना। कोई नहीं बोल रहा सर, झोंका खा रहे सर। हाँ बोलो ना सर, ऑन कर दिया हूं और थोड़ा सा मजे ले रहा हूं लॉकडाउन के, नहीं क्योंकि आपके स्क्रीन पे स्प्लिट करके तुम दूसरे काम भी कर रहे होंगे, नहीं? नहीं सर। हाँ वो तो करते हैं बेटा, इसलिए मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया कैसे भी काम कर सकते हो इतना लाइक तो बता मुझे, देखना रेडी। अब ए इलिप्स तो बनेगा आपको, लेकिन इसका इक्वेशन मैंने मान लिया, लेट अस एज्यूम कि ए वाला कोऑर्डिनेट ए कितना है, बी है, और बड़े वाले का ए कितना है, बोलना अंडर रूट ऑफ कितना, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब तू बता कि एक को रेक्टेंगल की तरह देखो, रेक्टेंगल में आएगा यहां से यदि मैंने बी वाले पॉइंट को ज्वाइन, बी वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ए वाला तो बी है और ए इतना है, तो C से लेकर के P का क्या हो जाएगा बोलो, CP स्क्वायर टेंडेंट टू B स्क्वायर प्लस कितना, A स्क्वायर प्लस लैम्डा। हां सर, CP स्क्वायर क्या बन जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ना, पाइथागोरस थ्योरम, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस पाइथागोरस, यस सर। हां CP स्क्वायर इतना बन गया, तो तुम बताओ CP इतना बन गया बराबर है और ये क्या दे रहा है, सर्कल, क्या दे रहा है, सर्कल, क्योंकि दोनों
डायरेक्टर सर्कल बन रहा है सर मैंने वो बड़े वाले को थोड़ा गलत ले लिया था। अच्छा वो ये मेरा गलत हो गया सर। एक बार वो 67 वाला बताओ ना कि कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट आया दैट मींस दिस वन इज द डायरेक्टर सर्कल। लिखो पहले कितना नंबर पूछा थे 67 बेटा कुछ सेंटरिंग एंगल डिफर बाई राइट एंगल समझा नहीं सर वो समझ जाओगे पहले मुझे पीने दो पी लिया थोड़ा एनर्जी आ गया। 67 नंबर पूछ रहा 67 नंबर सवाल क्या बोला टू पॉइंट ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 9 है क्या 9 दैट इक्वल्स टू 1 कुछ एसेंटिक एंगल आर डिफर बाई राइट एंगल यानी आप इसके परमेट्रिक कोण पहले बताइए मुझे पंक्ति बताइए a cos theta यानी 5 cos theta एक पॉइंट तो मैंने बोल दिया दूसरा पॉइंट भी आपको बताना है कि डिफर बाय 90 डिग्री यानी कहने का मतलब कि थीटा को 90 डिग्री के डिफरेंस में लिखना है दूसरा वाला तो या तो साइन में थीटा प्लस 90 कर लो एंगल में अनदर पॉइंट को क्यू एडी बोल रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोल रहा है तो मैं फाइव कॉस थीटा प्लस माइनस 90 डिग्री प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है और थ्री साइन थीटा प्लस माइनस 90 डिग्री डिफर बाय 90 का मतलब क्या ये दोनों में अब देखो ना दोनों का सेंट्रिक एंगल एक दूसरे से 90 डिग्री से डिफरेंस है यदि तुम प्लस भी लेते हो तो भी और माइनस लेते हो तो भी बोलो सर तो जब मैंने यहां से प्लस लिया पाई बाई टू प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में किसका करें साइन का साइन तो एक क्या हो जाएगा पॉजिटिव लेने के बाद पाई बाई थीटा और एक सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ओए माइनस हो जाएगा रे कॉस है ना तो नेगेटिव होगा ना तो मैंने माइनस लिख दिया ये कितना होगा थ्री कॉस थीटा यदि पॉजिटिव लिया तो पॉइंट है क्या देखो और यदि नेगेटिव लिया तो क्या जाएगा फाइव कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू and 3 cos 3 sin theta minus pi by 2 yani 5 sin theta ban jayega pehla dusra ban jayega aapko 3 as it is hai to minus 3 pehle likh deta hu aur pi by 2 minus sin cos theta dekhna beta ek point honge aisa hoga chahe to aisa hoga aur ye to rahega ऑप्शन में नहीं है चलिए बताइए डाउट और बताइए खत्म करिए जल्दी निपटाइए सर
बस 10% और भी बचा हुआ है इसके कंसेप्ट 5 से 10% भी ज्यादा हो गया 5 से 10% बचा हुआ है एक बार इसे डिस्कस कर लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ ऑलमोस्ट अभी के करंट सिलेबस के हिसाब से हो चुका है अभी के करंट सिलेबस जो है उस सिलेबस के हिसाब से हो चुका है सिलेबस खत्म लेकिन जेई एडवांस में भी कुछ सवाल बनते हैं बोलना कि सर वो बहुत दूर है नहीं बताऊंगा बेटा चलिए बोलिए कोई डाउट है तो बताइए कहां तक किए थे ट्राई चलिए और किसी को डाउट बचा है 77 कोई डाउट बचा है और भी तो रहने दे फिर आज बाकी के कुछ जो रिमेनिंग कंसेप्ट रहेंगे कल बता के कल इलिप्स को द एंड करूंगा और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन भी आप एक बार ट्राई करके रखें कल वो भी पूछें सर कल इलिप्स का आखिरी डे है तो एक बार आप ध्यान रखना कल खत्म हो जाएगा इलिप्स फिर स्टार्ट करूंगा हाइपरबोला और बिल्कुल भी मिस मत करना बिल्कुल भी मिस मत करना एक दिन मिस करोगे हाइपरबोला में एक 5 मिनट भी यदि तुमने मिस कर लिया तो पूरे चैप्टर से तुम्हें हाथ धोने होंगे पूरे चैप्टर से हाथ धो देना होगा क्योंकि इस तरह के टेक्निक भी बताऊंगा कि दोनों को साथ में लेके चलूंगा इलिप्स और हाइपरबोला और इलिप्स के सभी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए याद होनी चाहिए बराबर है और इस बार का टेस्ट कमिंग जो मंडे कमिंग मंडे का जो टेस्ट है ये आपको कॉनिक सेक्शन पे पैराबोला इलिप्स एंड हाइपरबोला फॉर्मेट जेई मेंस सर्कल नहीं है सर क्या बोल रहे हैं सर्कल मैं 3 चैप्टर पे दे रहा हूं बेटा दूंगा उसमें भी दूंगा पहले आप ये जो कॉनिक्स खत्म किया हूं इसको निपटा लो आप अच्छे से क्योंकि इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इस बार का जो टेस्ट होगा किस पे होगा बताओ मुझे पैराबोला हाइपरबोला बराबर है अच्छे से स्कोर करो हाँ सर हाइपरबोला खत्म हो जाएगा बेटा बता रहा हूं ना कि 2 दिन में ओके सर कितने दिन दो दिन हाँ क्योंकि मैंने इलिप्स इतने ख्याल से क्यों पढ़ाया बराबर है बस एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा टेक्निक बताऊंगा जिससे कि सारा काम आसान हो जाएंगे जानना है कि नहीं जानना है जानना है सर नहीं तो फिर वही लंबे लंबे मेथड जितना तुमने देखा इतने कर थोड़े करना उसमें रेडी फिर आज बस इतना ही तब तक के लिए गुड बाय तब तक आप सोल्व करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए कल के आखिरी दिन होगा इलिप्स का जो भी डाउट होगा कल तक क्लियर कर लीजिए इसको आप ठीक है चलो फिर मिलेंगे तब